हरियाणा के दादरी जिले में आज महापहलवानों की महापंचायत होगी। पहलवानों को लेकर 10 बजे से ये महापंचायत शुरू होनी है। सांगवान खाप करेगी महापंचायत की अगुवाई। जानकारी मिल रही है पहलवानों के परिजन भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। दादरी में आज पहलवानों पर महापंचायत का आयोजन, सुबह 10 बजे से महापंचायत की शुरुआत। दरअसल तीन पहलवानों की अगुवाई में ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच महापंचायत का आयोजन किया गया है। हरियाणा के दादरी जिले में ये महापंचायत बुलाई गई है और यहाँ पर जो बलाली गांव है, जो फोगाट परिवार का गांव है, वहीं पर यह पंचायत हो रही है। सांगवान खाप इसकी अगुवाई करेगी। 10 बजे से यह महापंचायत शुरू होनी है। तो पहलवानों के परिजन भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। 10 बजे से शुरुआत महापंचायत की होगी। दादरी में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत को बुलवाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, किस तरीके से पहलवानों पर आज महापंचायत को बुलवाया गया और खाप की चुकी पंचायत है पहलवानों पर। दादरी में सांगवान खाप की अगुवाई में ये महापंचायत है। उधर अनुराग ठाकुर ने बातचीत की पहल भी की है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। इस बीच महापंचायत हो रही है खाप पंचायतों की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चर्चा के लिए बुलाया है। पुलिस जल्दी ही उचित कार्रवाई करेगी, ये बात कही गई है। ब्रजभूषण सिंह से दो बार पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस जल्द ही इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। तो पहलवानों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। तो पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। खिलाड़ियों की मांग पर कार्रवाई होगी। मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। सरकार ने जांच कमेटी को बना दिया है और पुलिस बहुत जल्द कोर्ट में चार्जशीट फ्रेम करेगी। जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है उसको किया जाएगा। तो एक्शन में सरकार है। बातचीत की पहल हो चुकी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के अगुवाई में गंभीर आरोप लगाए गए WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर और यौन शोषण के आरोप लगाए गए और इस मामले में FIR भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई है और सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया था और यह कहा गया है कि पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट फ्रेम करेगी। लेकिन पहलवान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। इस मामले को लेकर दिल्ली में दूसरी बार भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मेडल बहाने की भी कोशिश की गई थी, ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत के पास मेडल जमा किए गए थे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ डटे पहलवानों को खाप का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। आज पहलवानों के समर्थन में फोगाट बहनों के गांव दादरी के बलाली में खाप महापंचायत होगी, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट और संगीता फोगाट भी मौजूद रहेंगी। सांगवान खाप महापंचायत की अगुवाई करेगी। सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू होगी, जिसमें पहलवानों के परिजन भी शामिल होंगे और उनसे विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उधर खबर है कि खाप पंचायतों ने 9 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन करने की प्लानिंग कैंसिल कर दी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। यौन शोषण के आरोपों में फंसे ब्रजभूषण सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस दो बार ब्रजभूषण से पूछताछ कर चुकी है। एक दो दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले SIT की टीम UP के गोंडा भी पहुंची और ब्रजभूषण के घर में काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए। अभी तक पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें अधिकारी, कोच, महिला खिलाड़ी शामिल हैं। और आगे अब आपको विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं कि पहलवानों और दिल्ली पुलिस दोनों के वर्जन क्या है, दोनों के पक्ष दरअसल क्या है। पहलवानों की मांग और दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ किया, आपको बता दें। पहलवानों का पक्ष है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह से दो बार पूछताछ हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। गोंडा में ब्रजभूषण के घर काम करने वालों के बयान को हाल ही में रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। तो पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि इस मामले में सरकार का यह कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह कहना है कि उनके खिलाफ कोई भी अगर सबूत आ जाए तो वो खुद ही जो है इस्तीफा दे देंगे, खुद ही उनके वो फांसी पर लटक जाएंगे। तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं। और इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह आज जो महापंचायत होने जा रही है उस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, महापंचायत का ऐलान किया गया है, निश्चित तौर पर आप ये पहलवानों के पक्ष में जनमत बनाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ की बात सामने आ रही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज बलाली गांव जो फुगास सिस्टर्स का गांव है वहां पर सर्व जातीय महापंचायत का आह्वान किया गया है। सभी जातियों की खापें जो हैं वो वहां पर रहने वाली हैं। सांगवान खाप जो है जिसके ओमवीर प्रधान है वो, और वो निर्दलीय विधायक भी हैं वहां से, वो उस खाप की अगुवाई करने वाले हैं जो आज महापंचायत होने वाली उसकी अगुवाई करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट और संगीता फोगाट दोनों बहनें इस खाप पंचायत में रहेंगी, उनको आमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा जो आगे की रणनीति है, क्योंकि लगातार सरकार से बातचीत का जो क्रम है वो जारी है, उसी बीच में खापों का भी इंटरवीन कहीं ना कहीं एक नए निर्णय की ओर जा सकता है। 9 जून का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं खाप लगातार कुछ नई रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी उसकी नजर लगातार दादरी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहे हैं आदित्य प्रताप सिंह। सुबह 10 बजे इस खाप पंचायत की, महापंचायत की शुरुआत हो जाएगी। Z News.